फ्रेंड्स, अगर आप बैंगलोर का नाम सुनते हो तो आपके मन में ये तस्वीर आएगी, और अगर आप गुरुग्राम का नाम सुनते हो तो शायद आपके मन में ये तस्वीर आए, लेकिन जब आप कोलकाता का नाम सुनते हो तो आपके मन में ये या फिर ये तस्वीर आएगी, पुरानी सड़कें, पुरानी टैक्सी, पुराने घर, स्लम और ट्रैफिक जाम। लेकिन फिर भी कोलकाता कैसे इन दोनों सिटी के डबल अमाउंट में जीडीपी कैरी करता है, और साथ ही कोलकाता जो 1960 के दौर में देश का नंबर वन सिटी हुआ करता था और दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी में से एक था। इतना ही नहीं, उस समय कोलकाता दुनिया की हर बड़ी कंपनी और हर बड़े बिजनेसमैन की पहली पसंद हुआ करता था, और एक समय पर यह पूरे भारत की राजधानी और बिजनेस का केंद्र भी हुआ करता था। देश की पहली मेट्रो से लेकर पहली लाइट तक इंडिया की डेवलपमेंट की शुरुआत ही कोलकाता से हुई थी। तो कोलकाता के साथ पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जो देश के बड़े मेगा प्रोजेक्ट से लेकर विदेश से मिलने वाली इन्वेस्टमेंट में कोलकाता का नाम कहीं गुम सा हो गया है? एक समय पर विदेश से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट कोलकाता में लैंड करती थी, लेकिन आज इनकी संख्या बैंगलोर से भी कम है। साथ ही जो MNCs और बड़ी कंपनी कोलकाता में ऑलरेडी थी, वो समय के साथ कोलकाता से बाहर चली गई। आज की वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट, कैसे कोलकाता एक मॉडर्न सिटी से ओल्ड सिटी बन गया, और अब कोलकाता उतनी स्पीड से क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है, और दूसरा, कैसे ओल्ड सिटी होने के बावजूद भी आज कोलकाता की GDP इंडिया के दिल्ली और मुंबई के बाद थर्ड सबसे बड़ी GDP है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाई कोलकाता इज नॉट डेवलपिंग एनीमोर। कोलकाता की डेवलपमेंट की रफ्तार का कम हो जाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है बंगाल का पार्टीशन, जिसने न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे बंगाल में इफेक्ट किया, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम कोलकाता छोड़कर बांग्लादेश गए, और उससे भी बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेश से कोलकाता आए, और इतनी बड़ी माइग्रेशन की वजह से ही कोलकाता में स्लम की शुरुआत होने लगी। और इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन के बाद बढ़ती हुई पॉपुलेशन को संभालने की क्षमता भी सिटी के पास नहीं थी। देखिए, दूसरा, कोलकाता की जो इकोनॉमी देश की आजादी से पहले थी वो काफी हद तक जूट और टेक्सटाइल पर डिपेंड हुआ करती थी, लेकिन आजादी के समय बंगाल के पार्टीशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ की जूट इंडस्ट्री पर ही पड़ा था, क्योंकि जहाँ से जूट का मेजर प्रोडक्शन हुआ करता था, बंगाल का वो एक बड़ा हिस्सा अब बांग्लादेश बन चुका था। और दूसरा, धीरे धीरे हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में जूट का यूज भी कम होने लगा, और कोलकाता कभी इस चेंज को, बदलाव को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, और धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज भी डूबने लगी। कोलकाता की डेवलपमेंट के स्लो डाउन के पीछे का एक रीजन है वहाँ की आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। मानो या ना मानो, हर चीज का अपना एक समय और एक एज होती है, एक लिमिट होती है। अगर आप उस समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपके साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। कोलकाता की बस, टैक्सी, रोड, ड्रम ट्रेन सब सच में आज आउटडेटेड हो गया है, और ये सब भी एक काफी मेजर रीजन हो सकता है कोलकाता को बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट ना मिलने के पीछे। और कोलकाता का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो जाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वहाँ का करप्शन और लेफ्ट गवर्नमेंट, जिनकी पॉलिसी ने ना सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल को इफेक्ट किया है, और इसी वजह से बिजनेस ग्रुप्स ने शहर को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और तभी से न्यू इंडस्ट्रियल ग्रुप की पहली पसंद वेस्ट इंडिया जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और बाद में साउथ इंडिया और दिल्ली NCR बन गया। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की कमी और इंडस्ट्रीज का बंद हो जाना और पार्टीशन का एकदम से आ जाना, ये सबसे बड़े रीजन है कोलकाता की डेवलपमेंट को स्लो डाउन करने के। साथ ही बांग्लादेश से माइग्रेट्स के आने की संख्या यहाँ कुछ ज्यादा ही है, इसी की वजह से आपको यहाँ के हाईवेज और रोड के आसपास झुग्गी और झोपड़ियां देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं, आखिर कोलकाता में जब डेवलपमेंट इतना स्लो हो गया है तो कोलकाता के पास इतना ह्यूज GDP कैसे है? देखो, आज बाकी इंडिया के सिटी में जहां IT सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, जिनकी ऊंची बिल्डिंग्स देखने में काफी कूल लगती है, वहीं कोलकाता में स्टील इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, फिश इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, बैटरी इंडस्ट्रीज, रबड़ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, पेंट इंडस्ट्रीज जैसी तमाम इंडस्ट्रीज शामिल है जो सिटी को मॉडर्न लुक तो नहीं पर अच्छी GDP जरूर प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह, बैटरी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वो कोई एक एस्थेटिक लुक तो सिटी को नहीं दे पाते, लेकिन इनके प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि ये GDP में कंट्रीब्यूट काफी ज्यादा करते हैं। साथ ही अगर इस शहर पर वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे तो कोलकाता जरूर अपनी खोई हुई स्पीड को वापस हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, हमने पूरा ट्राई किया है आपको कम से कम टाइम में डिटेल में समझाने का कि आखिर कोलकाता के साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, और प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।